जैसे एक समय एक पुत्र वधु और उसकी सासू की घनी लड़ाई रहा करती। वह सासू कलियारी घनी थी, सास उसकी बात बात पर दुखी रखा करती है, छोटी मोटी बातों पर ही तंग रखती थी। तो एक दिन कोई उसके साथ की पड़ोस की सत्संग में जाती थी बुढ़िया, उसने उस बुढ़िया से कहा कि चल सत्संग चलेंगे। तो वह बहुत नफरत करती थी, सत्संग मत इसी आई गई जाया करे, हम नहीं जावेंगी। फिर भी वह उसकी गणिमू लगती सी थी, नाट्य गया नहीं चल यार, रोजाना टोक देती है, आज एक बार चल पड़ती हूं। और पुण्यात्मा सत्संग के अंदर जो तो सत्संग एक ऐसा सथल होता है जैसे मैला कपड़ा धोबी के पास पहुंच गया तो वो तो उसने अटक पटक पटक कैसा कर देगा, सारे मैल ने धोकर छोड़ देगा। तो सत्संग तो एक धोबी का स्थान है, यहाँ आ गया तो आत्मा के मैल छूटे छूटेंगे, खत्म होंगे, उसके अंदर निर्मलता आवे आवेगी। तो बुढ़िया आ गई, सत्संग सुनिया, सारा ज्ञान दिया जाता है सत्संग के अंदर कि आपस में जो झगड़ा करते हैं वो झगड़ा गलत करते हैं, कोई भी घर का सदस्य हानि करके खुश नहीं होता, सभी चाहते हमारे घर में धन वृद्धि हो, हम सुरक्षित रहें, कोई हानि हो भी जाती है तो भाग्य की होती है, वो तो होनी ही होती है। फिर बाद में उसके ऊपर राड़ करते हैं, झगड़ा करते हो, वो और काम बढ़ा लेते हो, तुम उसको समाप्त करना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति बड़े व्यक्ति का फर्ज बनता है बुजुर्ग का। तो अब बुढ़िया का वह बात समझ में आ गई, सचमुच जो होना हो तो हो चुका होता है, फिर बाद में तो खाम खा बकवाद करते हैं, वो तो वापस आ नहीं सकता, मानसिक टेंशन और पैदा होती है एक दूसरे को कह सुन के। तो कहते हैं एक कह चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। तो बुढ़िया सत्संग में जान लगेगी और घर की कलह कम होगी। एक दिन क्या हुआ कि वो पुत्र वधु भैंस का दूध निकाल के और ऊपर छत के ऊपर कड़ा टांग दिया करते, लंबा सिरिया मोड़ कर उसमें दूध टांग देती थी कुत्ते और बिल्ली से बचाव के लिए, जब तक वो उसको गर्म ना रखती। तो उस वो ध्यान उसका रहा नहीं, दूसरी साइड से उसने बाल्टी टांगनी चाहिए, वो कड़ा टंगा नहीं उस कुंडे में बाल्टी का हैंडल, और उसने सोचा टंग गया, उसने छोड़ दिया, वो सारा गिर गया, सारे फर्श पर फैल गया कच्चे पे। अब उस पुत्र वधु को पता था कि वो डीआई शुरू होगी और 36 तो आप गाड़ देगी, और फिर इसका लड़का होगा, उसने सिखावेगी समझावेगी, फिर वो पीटेगा, ये कई दिन का काम हो गया। लेकिन उस दिन उसकी सास ने उससे क्या कहा, और वो देख रही थी उसके मुंह की तरफ के भी सुनाओगी 5-7 कठिए, उसने कहा बेटी कोई बात ना, हमारे भाग में नहीं था यू, आज का दूध हमारी किस्मत में नहीं था, और बेटी इसने इकट्ठा कर ले, बचा हुआ थोड़ा उसको भैंस को ही पिला दे, अपने तो काम रहा को ना, अरे तो बेटी हमारे भाग में था ही नहीं, इसलिए गिर गया तो गिर गया, कोई बात नहीं, सुबह देगी या बाल्टी भर के। अब उसने सोची पता नहीं बुढ़ी आज कौन सा स्टेशन पकड़गी, या तो इसने तो कद्दे भी ना बोला करती, उसने सोचा सामने मेरा पति आवेगा और उसने बताओगी गुस्से में है दिख है, लेकिन उसका आगे जिक्र भी ना करा उसने, फिर उसका पक्की जचगी को हो बुढ़िया में इतना परिवर्तन है, भगवान आया था आया क्यों कर, उसके चरण पकड़े दो है नवाव है प्यार करे, क्योंकि उसकी तो क्रड़ाई टाल दी उसे बुढ़िया ने, जिक्र नहीं करा उसके पति का आगे, तो वो कितना प्रेम बन गया उनमें। फिर उसने कहा बेटी तू भी सत्संग में चला कर। तो पुण्यात्मा इस प्रकार है, जो नुकसान होना है वो तो हो चुका होता है, फिर वो उसको धमका रहा है, उसने खुरका रहा है, तूने नौ कर दिया, ऐसे कर दिया, वो काम का एक बकवाद है, जो होना था हो गया, आगे सावधानी बरते, इतनी सी बात होती, कोई बात ना जो हो। लेकिन अब वो राजा चाहता था कि एक बार ये ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान तुम दो मानते हो, है भले पुरुषो उस परमात्मा के घर से आए हो, तुम एक हो, और परमात्मा पाने के लिए तुम अलग अलग बटे हो, इस ज्ञान को समझ कर फिर एक हो जाओगे, इसमें क्या बड़ी बात है, भक्ति करोगे तो पीछा छूटेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनने से पीछा नहीं छूटेगा, जो सत साधना करेगा चाहे हिंदू करो चाहे मुसलमान, सिख करो चाहे ईसाई,
उसका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वो साधना परमात्मा लेकर आए थे वही आकर बताते हैं, आज इस कलयुग में ये समय है, वो निर्धारित समय है कलयुग का, बीतली पीढ़ी का। तो अब वो साधना दास को प्राप्त है, उस स्पेशल दी है उस परम पिता ने आपके उद्धार के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। आप इसको गहराई से समझो, सदग्रंथों से मेल करो, उन महापुरुषों के बताए साधना से मेल करो, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उनसे मिलाकर देख लो, फिर दो मिनट में समझ में आ जाएगा। फिर तो भक्ति करनी शेष रह जाएगी। अभी तक तो हमारे बीच में ये बहुत बाधाएं पैदा कर रखी इन संतों ने, नकलियों ने, हमें अलग अलग बांट कर, कोई कहता ये साधना ठीक है, वो कहता नहीं ये ठीक है, मुझे इससे लाभ हो गया। वो लाभ तो उसको हुआ था किसी अपने संस्कार से, और नाम कर दिया उस साधना, उस साधना से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल नहीं है।